हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, एसएल ऑर्डर और एसएलएम ऑर्डर क्या होता है, और अन सभी ऑर्डर्स का डिफरेंस क्या होता है, मतलब इन सभी ऑर्डर्स के बीच में। तो जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट ऑर्डर लगा लो, लिमिट ऑर्डर लगा लो, स्टॉप लॉस लगा लो और एसएलएम लगा लो, तो ये सभी अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स हैं। और कैसे किसको लगाते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको लाया हूँ अपने जीरोधा के अकाउंट पर, और जीरोधा में भी मैं आपको सपोज ये अपना एसबीआई का शेयर है, और एसबीआई का शेयर में आपको बाय सेल करना दिखाऊंगा। जैसे कि अगर आप बाय करना है इसमें एसबीआई में, तो आप यहाँ पर बाय पे क्लिक कर दें, सेल करना है सेल पे क्लिक कर दें। सेल पे क्लिक करेंगे और बाय पे क्लिक करेंगे, दोनों का सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये बाय ऑर्डर लग गया, और यहाँ से आप ऐसे करके लगाओगे इसको तो सेल ऑर्डर लग जाएगा। और कोई भी आप डीमैट अकाउंट ले लो, अगर रेड कलर का शाइन आ रहा है तो मतलब वो सेल ऑर्डर है, और ब्लू कलर का ऑर्डर आ रहा है मतलब वो बाय ऑर्डर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये बाय एसबीआई लिख रखा है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेल एसबीआई आ जाएगा। तो आपको बाय पे क्लिक करना, बाय क्लिक कीजिए। और चलिए अपन चलते हैं मार्केट और लिमिट ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में। तो मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि जो करंट प्राइस चल रहा होता है शेयर का, अगर आप मार्केट क्लिक करेंगे तो करंट प्राइस पे आपका बाय हो जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाल दी 10 क्वांटिटी, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मार्केट प्राइस। तो जो भी करंट प्राइस चल रहा है, सपोज अभी 282 रुपये चल रहा है शेयर का प्राइस, और आप बाय पे क्लिक कर देंगे तो जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा तुरंत आपका शेयर उसी प्राइस पे बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई 282 पे जा करके आप 280 पे इसको बाय करना चाहते हो, तब आपको लिमिट ऑर्डर डालना पड़ेगा। तो आप जैसे लिमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे प्राइस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा यहाँ पर, उस पर आप अपनी मनपसंद प्राइस डाल सकते हो। यदि आपको 280 में बाई करना आप 280 डाल दीजिए, आप चाहे तो नहीं और नीचे आ सकता है 275 पे, अगर तब बाई करना है तो आप 275 डाल दीजिए। और जो भी प्राइस आप डालेंगे जब उस प्राइस पे आएगा तो आपका ऑटोमेटिक ये शेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपको 10 शेयर बाई हो जाएंगे। नहीं आएगा प्राइस 275 पे तो ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, और लास्ट में ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा जब मार्केट क्लोज होगा। तो ये था मार्केट और लिमिट ऑर्डर के बारे में डिफरेंस। अब चलते हैं अपन एसएल की तरफ। तो एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो स्टॉप लॉस में क्या होता है कि जो आप प्राइस बाई करते हो, अगर आपको डर लगता है कि वो नीचे आ सकता है और मेरे को उसको ज्यादा लॉस बियर नहीं करना है, तब इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर भी डाल सकते हो। इसमें दो ऑर्डर लगते हैं, एक बाइंग ऑर्डर एक सेल ऑर्डर। तो सपोज हमने बाइंग ऑर्डर डाल दिया, मेरे को 275 पे बाई करना है, या फिर मेरे को 280 बाई करना है। जब ये प्राइस 282 से 280 पे आएगा तब मेरे को ऑटोमेटिक बाई हो जाए, और मेरे को लॉस यहाँ पर 275 तक ये करना है, मतलब कि एक लॉट पे 5 रुपये का ही मेरे को लॉस करना है। इससे ज्यादा अगर नीचे आता है 270 पे आता है तो मेरे को ज्यादा लॉस बियर नहीं करना है, 275 पे आएगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा और ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। तब आपको ऐसे लॉट डालना है, इसमें आपको दोनों ऑर्डर लग जाएंगे, बाइंग ऑर्डर भी लग जाएगा और सेलिंग ऑर्डर भी लग जाएगा। तो ट्रिगर प्राइस में आपको सेलिंग प्राइस डालनी है, और यहाँ प्राइस में आपको बाइंग प्राइस डालनी है। सेलिंग प्राइस वो होगी जिस पे आपको एग्जिट होना है। तो ये हो गया स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब चलते अपन एसएलएम की तरफ। एसएलएम में क्या होता है कि आपका सेलिंग ऑर्डर तो वही रहेगा जो आपका एसएल में था, लेकिन यहाँ पर बाइंग प्राइस का ऑप्शन बंद हो गया, मतलब आपको एसएलएम मतलब स्टॉप लॉस मार्केट। तो आपको बाइंग ये मार्केट प्राइस पर करेगा, लेकिन सेलिंग प्राइस आप अपने मन से डाल सकते हो कि आपको कितने पे सेल करना है। सपोर्ट आपको 280 पे सेल करना है या 275 पे सेल करना है, तो जितने भी प्राइस डालोगे आप यहाँ पर ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा उस प्राइस पे, और इसमें बाइंग प्राइस ऑटोमेटिक ले लेगा मार्केट प्राइस पे, इसलिए एसएलएम मतलब स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस। और ये जान सके एसएल और एसएलएम आप जो भी ट्रिगर प्राइस डालोगे वो करंट प्राइस से कम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 282 प्राइस चल रहा है आप 285 डाल दो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको करंट प्राइस से कम ही प्राइस डालनी है तभी वो एक्सेप्ट करेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे अपने एसएल और एसएलएम ऑर्डर, और ये था मार्केट और लिमिट ऑर्डर। तो मैं आपको एक बार और आपको रिवाइज करा दूं इसका। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि जो करंट प्राइस चल रहा है उस पर आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा, इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। लिमिट ऑर्डर में आप जो भी चाहे अपना मन से प्राइस डाल सकते हो, इसमें भी स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, इसमें एक ही ऑर्डर लगेगा इन दोनों में। और एसएल में आपको स्टॉप लॉस भी लग जाएगा और आप लिमिट ऑर्डर भी लग जाएगा, लेकिन एसएलएम में आपका लिमिट ऑर्डर नहीं लगेगा, मार्केट ऑर्डर लगेगा और साथ में स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगेगा, और ट्रिगर प्राइस आपका स्टॉप लॉस प्राइस होगा जिस पे आपको एग्जिट होना है। तो ये चारों ऑर्डर थे, इस चारों में ये डिफरेंस था। यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।